हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज सारे दिन जो भी काम हुआ, खाना वगैरह बनाना, जाना आना, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सारे दिन का रूटीन जो हम लोग मतलब जो भी काम करते हैं, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर देखिए सुबह हो गए हैं, सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ओट्स सभी लोगों के लिए नाश्ते में। और मैं यहाँ पे सीधे नहा धो कर ही सीधे किचन में आई थी। पूजा उजा मैंने सब कर लिया था, चाय नाश्ता वगैरह सभी को दिया, मैंने भी किया। और बस यहाँ पे देखिए ओट्स बन गए हैं। ओट्स मैंने ज्यादा सब्जी वगैरह कुछ डाली नहीं है, सिंपल तरीके से मैंने बनाया है और सभी को दे दिया। ये थोड़ी देर पेट में रहेगा और काफी हेल्दी भी होता है। और यहाँ पे देखिए मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही हूँ और ये कपड़े मैंने सुबह धुल दिए थे नहाने के समय ही, क्योंकि काम करते समय कपड़े हम लोगों के भीग जाते हैं, तो मैंने तुरंत ही यहाँ पे मतलब कपड़े तुरंत सुबह धुल लिए थे। चाहे जितने भी कपड़े हो, मैं सुबह धुलने की पूरी कोशिश करती हूँ, करती क्या हूँ, मैं इसको धुल ही देती हूँ। और मैं इसको सुखाने के लिए मशीन में डाल दिया है, वो अपना जब तक सूखेंगे और बारिश की वजह से मैं इसको बाहर नहीं डाल पाऊंगी। तो बस सुखा के नीचे मैंने यहाँ पे हॉल में तार बांधा है, मैं नीचे ही कपड़े डालूंगी फैन के नीचे जब तक वो सूखेंगे। और सुबह सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई थी रूम में और गेस्ट रूम में, सब जगह झाड़ू लगाई थी, पोछा मैंने कहीं नहीं लगाया था क्योंकि सुबह टाइम ज्यादा हो गया था और मैंने सोचा चलो पोछा ही लगाना है तो वो बाद में लगा लिया जाएगा। और पोछा अगर एक दिन के लिए सोचे कि ना लगाएं तो मन नहीं मानता है, पोछा तो 2 या 3 बार तो लग ही जाता है, क्योंकि निकलना हम लोगों का वहीं पे अक्सर दिन भर ही निकलना बैठना होता है, बच्चे चप्पल पहन के भी चले जाते हैं, तो ये लगता है कि भाई पोछा लगा लिया जाए अच्छे से। और यहाँ देखिए कपड़े अच्छे से सूख गए वॉशिंग मशीन में, उनको निकाल के मैं तुरंत ही इनको डाल भी दूंगी, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए कपड़े छोड़ दो कि रुक के डालेंगे तो इसमें सुकड़न हो जाती। मैं तुरंत कपड़े धोती हूँ और तुरंत ही उनको फैला दूंगी। फैलाने के बाद ये देखिए दूसरा रूम है जिसमें मुझे पोछा लगाना था। ये सब काम नहाने के बाद हो रहे हैं क्योंकि सुबह इतनी जल्दी मतलब 5:30 बजे भी उठी थी, लेकिन इतनी जल्दी काम नहीं हो पाता है। बाहर पूरा आंगन में बरामदे में सब जगह झाड़ू लगाओ और बाहर आंगन में भी लगाओ तो काफी टाइम हो जाता है। बस ये सब मैंने पोछा ओछा लगाया, उसके बाद मुझे 1.5 घंटा मतलब मिला भी तो मैंने थोड़ी देर आराम किया, थोड़ा मोबाइल वगैरह चलाया। और मोबाइल वगैरह चलाने के बाद और फिर सीधे आ गई हूँ किचन में, खाने की तैयारी कर रही हूँ, लंच की तैयारी, क्योंकि बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे तो सुबह नाश्ता दिया, वे अपना पढ़ाई कर रहे थे। और यहाँ मैं खाने की तैयारी, और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्जी और सिंपल तरीके से बना रही हूँ। यहाँ टमाटर मैंने पीस लिया था, प्याज वगैरह मैंने कट करके डाली है, अदरक लहसुन का पेस्ट मतलब मैंने अभी 3-4 दिन पहले मैंने यहाँ पे वीडियो डाला था पेस्ट का, मैं उसको बनाकर हमेशा रखती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ मैं तुरंत जब सब्जी बनाना होता है। जल्दी क्या, सभी लोगों को जल्दी ही होती है रोज, तो बस मैं 1 चम्मच पेस्ट डालती हूँ प्याज काट के और बस सभी चीजें डाल के सब्जी बनाई है मैंने यहाँ पे। और ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, कौन झंझट करे बार बार पीसने का, लहसुन छीलो अदरक ये सब चीजें करो। बस यहाँ पे मैं तुरंत ही चावल बिन लूंगी। सारा खाना अच्छे से तैयार हो गया था, सभी लोग खाना खाने के लिए आ चुके थे। बस यहाँ पे मैं रोटियां सेक रही थी, पूरी रोटियां सेक ली थी, बस सभी को खाना सर्व कर दूंगी। खाना सब लोग एक साथ बैठ के खा लेते हैं और बच्चे लोग और इन्होंने सभी लोगों ने खाना खा लिया था। देखिए दिन भर के काम हम लोग जितने भी निकाले वो निकलते ही चले जाते हैं, अदर काम भी हम लोग के बहुत से होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं इधर हम लोग का खाना पीना जल्दी से निपट जाए तो अदर काम भी हम लोग के हो जाएंगे। और यहाँ देखिए मैंने भी खाना खा लिया था, करीबन 10-15 मिनट में खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर से किचन में आके समेटना शुरू किया है। और किचन बहुत ही फैला हुआ था, इधर भी और सिंक के पास भी काफी फैला हुआ है। और यहाँ पे सारा खाना मैं सब उठा के रख दूंगी और तुरंत भी मैं गैस और किचन अच्छे से साफ करूंगी, क्योंकि इसको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आजकल मक्खी वगैरह बहुत जल्दी आ जाती है। और यहाँ पे मैं जो हंस रही हूँ तो बच्चे यहाँ पे कुछ बातें कर रहे थे तो बस उन्हीं की बातों पे मुझे हंसी आ रही थी। और बस यहाँ पे मैं किचन साफ करूंगी और किचन भी मैं बहुत अच्छे से साफ करती हूँ, रोज के रोज टाइल्स वगैरह साफ कर देती हूँ ताकि इकट्ठा एक दिन टाइल्स गंदे हो फिर उसको मैं रगड़ूं अच्छे से साफ करूं। और रोज रोज हल्का हल्का साफ करने से ये रहता है कि किचन अच्छे से साफ रहता है, वो हमेशा चमकता रहता है। और इसके बाद मैं तुरंत बर्तन भी निकाले हैं जो मैंने उसमें पानी डाल दिया था, बस उसको भी धोऊंगी। देखो बच्चों को हेल्दी खाना देना बहुत जरूरी होता है, आजकल बच्चों को क्या मैगी चाउमीन, उनको क्या लंच में सब चीजें इनको दे दो तो वो ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं जबरदस्ती कभी चीला है या ओट्स वगैरह है ये सब मैं उसको लंच में देती हूँ अपने बेटे को।
और बस यहाँ पे देखिए मेरे किचन का काम हो गया है और मैं डांट रही थी दोनों बच्चों को, कुछ शैतानी कर रहे थे। और यहाँ देखिए सारे बर्तन मैं लगा रही हूँ, ये कल रात के बर्तन मंजे हुए रखे हैं और यहाँ पे सारे बर्तन लगा दूंगी। और लगाने के बाद सीधे ये देखिए मैं वाइपर से साफ कर रही थी, क्योंकि ये डलिया पता नहीं कैसी है, इसमें नीचे पानी रुका रहता है, तो बस मैं उसी को साफ कर रही थी। उसका भी मुझे कुछ इंतजाम करना पड़ेगा और यहाँ बस बर्तन मैं तुरंत निकालूंगी, तुरंत वॉश करूंगी कढ़ाई वगैरह, आज बर्तन कुछ ज्यादा ही हो गए थे। और कढ़ाई देखिए अच्छे से रोज के रोज मांजो, और ये बहुत जल्दी गंदी भी हो जाती है, मैं पूरी मेहनत से इसको मांज रही थी। और यहाँ पे सारे बर्तन जब मन जाएंगे, आज हम लोगों को कहीं जाना भी है शाम को, तो यहाँ फटाफट जितने भी काम हो जाएंगे करीबन 1-1.30 बजे तक हमारे सारे काम निपट जाएंगे। उसके बाद थोड़ा आराम करना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग सुबह 5:30 बजे उठते हैं तो देखिए घर के काम इतने सारे करने के बाद भी हम लोग को थकावट आ जाती है। अगर हम लोग थोड़ी देर आराम कर लेते हैं तो वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर लगातार काम ही करते रहेंगे तो हम लोग मतलब बीमार भी पड़ जाते हैं, फिर घर के काम कौन देखेगा। इसलिए मैं जहां तक अपने शरीर को 1-2 घंटा आराम जरूर देती हूँ, सोने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेटती हूँ, लेकिन काम दिमाग में घुमा करते हैं कि भी ये काम है ये भी कर लो, सोएंगे तो लेट कहीं ना हो जाए, लेकिन मैं फिर भी समय निकाल लेती हूँ। बस यहाँ पे देखिए पूरे बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं, किचन में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे सुबह तो जब उठती हूँ सबसे पहले किचन बरामदे में सब जगह झाड़ू लगाती हूँ, ये तो सभी लोगों का काम है। और जैसे थोड़ा बहुत कुछ खाना बनाते समय छिकला वगैरह कुछ गिर जाता है प्याज का, तो वो सब अच्छे से साफ हो जाता है। और ये देखिए करीबन 1:30 बजे तक पूरा काम निपट चुका था। ये बज रहे हैं शाम के 4:30 बज रहा है करीबन। मैंने यहाँ पे कॉफी बनाई है, बच्चों को कॉफी पीना नहीं था, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग चाय मतलब कॉफी पी रहे थे। थोड़ी देर में बैठी सोने के बाद, जब सो के उठा तो अजीब सा फील होता है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था बाहर का। उसके बाद मैं थोड़ी देर ऊपर टहलने भी गई। ये देखिए 4:30 बज रहा था, अभी फिर तैयार होके जाना भी है। तैयार होते होते जाते थे करीबन बच जाएगा 7:30 बजे तक मैं जाऊंगी, आज दीदी की बेटी के ससुराल जाना है। और यहाँ देखिए मैं बाल बाल खींच ले रही हूँ, बाल खींच के फिर जब तैयार हो जाऊंगी पूरा, उसके बाद फिर से एक बार कंघी कर लूंगी बालों में। और पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है, बरसात की वजह से बाल बहुत झड़ रहे हैं। मैं सोचती हूँ चलो जो थोड़े बहुत झड़ रहे झड़ जाने, तो उसके बाद फिर से नए बाल मतलब आ जाएंगे। और यहाँ बस बालों को अच्छे से कंघी करने के बाद मैं यहाँ पे तुरंत तैयार भी होंगी, बज रहा है करीबन 6:30। तैयार होते होते टाइम लग जाता है, सभी बच्चों से मैंने इनसे भी कह दिया कि आप लोग तैयार हो जाओ, मैं तो वहाँ पे थोड़ी देर रुकूंगी और ये अपना साथ जल्दी आ जाए मेरे हस्बैंड। तो बस यहाँ पे तैयार होके मैं लोग पासी में घर है और मैं तुरंत ही उनके घर पहुँच जाऊंगी। और जो दीदी की बेटी है उनकी सास ने आज बहुत ही अच्छा इंतजाम किया था। और यहाँ देखिए सभी लोग बैठे हैं, हम लोगों ने पहले नाश्ता वगैरह पिया करा, शरबत वगैरह सब पी के बैठी थी। उसके बाद भाई कुछ लोगों को जाना था हमारे हस्बैंड को, और ये मेरी बहू है मतलब दीदी की बहू और बेटे वो भी आए थे, तो उन लोगों को कहीं जाना था, तो बस उन लोगों को दीदी ने फटाफट खाना सर्व किया। और खाने में था दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी के चटनी, काफ़ी चीज़ें थी। और ये खाना जल्दी नसीब कहाँ होता है, क्योंकि भाई इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये दीदी ने पूरे मन से बनाया, क्योंकि हम लोगों को जाना था, इतना मतलब इतना टेस्टी था खाना, समझिए खा लिया मन तो मतलब नहीं भरा, पेट जरूर भर गया था। और बस यहाँ पे आप देखिए हमारी भी थरिया लग गई है, बस थाली में खाना लग चुका है, हम सभी लोग खाना खाएंगे दीदी के साथ में, बच्चे भी मेरे सब खा रहे थे। यहाँ हम लोगों ने थोड़ी बात वगैरह की, हंसी मजाक हुआ। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।